चेक वेदर द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन गिवन है, हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री. इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन विच इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स. टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स. अब ये जो टू एक्स है राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस के टू एक्स, ऐसे ही माइनस के सिक्स राइट साइड में है इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के सिक्स विच इज इक्वल्स टू जीरो विच इम्प्लाइज प्लस के टू एक्स और माइनस के टू एक्स कैंसिल. तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन और प्लस सिक्स, तो टोटल हो गए प्लस के सेवन विच इज इक्वल्स टू जीरो. कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो है क्या, दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से हम देखें एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट ए और इक्वेशन में कितना है एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट वन, तो ए की वैल्यू हो गई वन बी. अब क्योंकि इक्वेशन में एक्स के टर्म है ही नहीं तो एक्स का कोफिशियंट हम लेंगे यहाँ पर जीरो. ऐसे ही सी कॉन्स्टेंट, इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट है वो है सेवन. सिंस द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज नॉन जीरो, नॉन जीरो है, कितनी है, कितना है वन, देयर फोर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक.